एफएम के साथ कैसे जुड़े हैं? मैं फीवर 104 एफएम के साथ में हूँ अभी. फीवर 104 एफएम मुंबई में रोज़ सुबह 7 से 11 मैड मॉर्निंग्स नाम से शो आता है मेरा. मुझे रंगीली रुचि बुलाया जाता है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. आई हैव अ कलरफुल पर्सनालिटी ऑन रेडियो बिकॉज ऑफ दैट. यू मस्ट हैव हर्ड मी ऑन रेडियो. आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी फॉर 9 ईयर्स. दिस इज़ माई 10th ईयर इन रेडियो नाउ. सो दैट इज़ हाउ माई रेडियो करियर हैज़ बीन. आई एम अ वेटरन नाउ एट दिस अर्ली एज बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17. बचपन में शुरू कर लिया था. दैट इज़ व्हाई आई थिंक बस अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं. फेम के लिए क्या करना चाहिए? अभी तक तो मैं फेम के लिए लव एंड रिलेशनशिप शोज होस्ट कर रही हूँ, जो कि मुझे रेडियो पर भी मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है. सो एक तरफ जहाँ मीडिया में सब लोग सड़कों पे क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, गड्ढे कहाँ पर हो गए हैं, एक्सीडेंट कहाँ हो गए हैं, कौन कहाँ मर रहा है, इट्स सो ट्रैजिक. आज की तारीख में न्यूज़ एंड मीडिया इज सो ट्रैजिक. उसके बीच में जस्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, in your love life, is so nice. So that is what I do with hashtag fame right now. But then let's see, let's hope it increases. It increases my horizons. I can have Bollywood and an interview show and something else. Maybe we'll just think of creative ideas. अभी तक आप और celebrities उनसे पूछते थे, हम आपसे मतलब क्या बताना चाहेंगे, मतलब क्या कुछ नया आप जो बताना चाहते हैं जो अपने fans में कुछ अपने. मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ. येस, एज अ रेडियो जॉकी आई हैव बिन ऑन द इंटरव्यूइंग एंड. हम इंटरव्यू करते थे और कोई सामने वाला जो था वो हमें आंसर करता था. सो दे यूज टू बी द सेलिब्रिटी. दो एज अ रेडियो जॉकी यू आर प्रीटी मच अ सेलिब्रिटी. बट देन येस, वी वर ऑन दिस साइड ऑफ द माइक. अगर हम माइक के उस तरफ पहुँच पाए हैं, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, इट इज़ बिकॉज फेम गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टार. जो मुझे देख रहा है वो स्टार बन सकता है. जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो अपनी कैमरा स्किल्स बता करके स्टार बन सकते हैं. आप इंटरव्यूइंग स्किल्स बता करके स्टार बन सकते हैं. इट्स लाइक एवरीबडी कैन बी अ स्टार. इट्स जस्ट दैट हर इंसान के अंदर टैलेंट है. सेल्समैन के पास में या मार्केटिंग वाले के पास में बेचने का टैलेंट है. उस टैलेंट के बारे में बात करो, बस अपना टैलेंट बताओ और स्टार बन जाओ. न्यूकमर के लिए क्या करना चाहिए आप जैसे आज एक्सपीरियंस? बी कंसिस्टेंट. मतलब वट एवर यू डू, यू आर ऑन यूट्यूब, यू आर ऑन फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और हैशटैग फेम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आई गिव हाफ एन आवर ऑफ माई लाइफ एवरी डे एंड बिलीव यू मी, एवरी डे मीन्स सैटरडेज एंड संडेज इज वेल. सो मैं रात की मूवीज़ देखने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा शो जो है वो रात में 9:30 से 10 लाइव होता है फेम पर, और सुबह मैं 7 से 11 रेडियो पर होती हूँ. सुबह भी बिजी, रात में भी बिजी. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ़ यू नीड फैन फॉलोइंग, तभी रजिस्टर होगा. मीडिया इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी. बहुत ज़्यादा आप वो हैं एक्सप्रेशन, मतलब जिसको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सबसे ज़्यादा आप किसको लाइक करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस? अभी तो अगर मैं अभी, क्योंकि डिजिटल की बात हो रही है, तो हाल फिलहाल आपने शायद देखा होगा इसको, शाहरुख खान इज़ रॉकिंग द इंटरनेट स्पेस. उन्होंने इतने क्रिएटिव तरीके से कुछ 3-4 सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ निकाले थे, और तब आपको समझ में आएगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया. इफ़ अ पर्सन लाइक शाहरुख खान ऑल्सो नीड्स डिजिटल मीडिया टू प्रमोट हिमसेल्फ, अपने आप को उनको भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाना पड़ रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया. एंड आई लव शाहरुख खान ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर. थैंक यू. थैंक यू. एक फोटो.